बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, और इसके अंदर हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेकिंग ऑफ पोजेशन, यानी कि ज़मीन का कब्ज़ा लेना। और इसकी जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 16 और सेक्शन 17 है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और साथ में जब बेल आइकन वगैरह आप उसको भी प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को, जब अपने किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए या किसी कंपनी को अपनी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए किसी ज़िले के अंदर, किसी इलाके के अंदर, किसी तहसील के अंदर जब ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो अपना वो जो उस ज़िले का कलेक्टर होता है उसकी खिदमात हासिल करते हुए वो उस ज़िले के अंदर ज़मीन हासिल करते हैं। और कलेक्टर सबसे पहले वो मौजूद जगह देखता है, जब उसको जगह पसंद आ जाती है तो उसकी फिर इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद फिर वो जगह जितनी भी होती है उसको सिलेक्ट कर लेता है और उसके बाद नोटिस जारी करता है, तमाम फ्री कैन को बुलाता है, और बुलाने के बाद फिर उनका जो आर्डर अपना, सॉरी, ये सेक्शन 11 है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की, उसके तहत वो अवार्ड वो इशू करता है या फैसला सादर करता है, और उसके अंदर फिर वो जितना भी रकबा होता है, जितना भी मुआवजा होता है वो दर्ज करता है। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने हैं वो कब्ज़े की लेने का है, कब्ज़ा लेने का है, या टेकिंग ऑफ पोजेशन का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है जो सेक्शन 16 के अंदर कही गई है वो ये है कि पावर टू टेक पोजेशन, कि कलेक्टर जो है उसके पास अख्तियार है कि जब उसने दफ़ा 11 के तहत कोई फैसला सादर कर दिया, उसमें किसी ज़मीन का उसने फैसला सादर किया, उसके अंदर दुरुस्त रकबा तयन कर लिया, उसकी दुरुस्त कंपनसेशन तयन हो गई, और उसके बाद जो मालिक के अराजी है उन्होंने अपने वो रकम जो है वसूल कर ली, और वो ज़मीन जो है वो किसी किस्म की इनकमरेंस से कोई भी उसके ऊपर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वो बरियाज मुआवजा हर किस्म जब हो जाती है, तो फिर कलेक्टर के पास अख्तियार है कि वो सेक्शन 16 के तहत उस ज़मीन का कब्ज़ा हासिल कर लें। ये बिल्कुल वेरी क्लियर कट है, यानी कि जब ज़मीन का फैसला हो जाएगा, अवार्ड हो जाएगा, वो मालिक ज़मीन वो पैसे ले लेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, जब मुआहदा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये जो कलेक्टर होता है उसके पास अख्तियार है सेक्शन 16 के तहत कि वो उस ज़मीन का कब्ज़ा ले लें। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहती है कि स्पेशल पावर इन केस ऑफ अर्जेंसी। अब ये जो कलेक्टर है इनके पास स्पेशल अख्तियार होते हैं, महकमा माल वालों के पास, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, कि जब कोई मजबूरी आ जाए तो मजबूरी में वो ज़मीन का कब्ज़ा कैसे हासिल करते हैं, उनको कैसे हासिल करना होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है जब मजबूरी की हालत में किसी ज़मीन का गवर्नमेंट ने कब्ज़ा हासिल करना हो। तो इसमें इन्होंने सेक्शन 17 के अंदर इन्होंने 3-4 बातें की हैं, वो मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब रियासत को या हुकूमत को या किसी कंपनी वगैरह को अपने किसी मंसूबे को लॉन्च करने के लिए या अपने मंसूबे को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर किसी ज़मीन की इंतहाई जल्द ज़रूरत हो, बहुत शदीद ज़रूरत हो, और कंपनी का असूल उनके लिए मजबूरी हो, और उनके पास टाइम भी ना हो और कलील मुद्दत हो, उनके पास थोड़ा सा वक्त हो, और उन्होंने हर हाल में वो ज़मीन उन्हें हासिल करनी हो बाय हॉक एंड क्रोक, तो फिर वो जो उस इलाके का कमिश्नर होगा वो कलेक्टर को हुक्म सादर करेगा कि फलां रकबा जो है इसका नोटिस जारी करो, और नोटिस बतौर इश्तहार होगा, वो ये सेक्शन 9 का नोटिस जारी करेगा, सेक्शन 9 की सब क्लास 1 के तहत,
और लोगों को कम से कम 15 दिन का टाइम देगा और लोगों को इत्तला करेगा कि भाई ये ज़मीन जो है ये हुकूमत को एमरजेंसी में ज़रूरत है, मजबूरी के लिए, मजबूरी की हालत के अंदर ज़रूरत है, और इस ज़मीन के हसूल के अलावा गवर्नमेंट का के पास कोई चारा भी नहीं है और उसके पास टाइम भी नहीं है, तो फिर वो सेक्शन 9 सब क्लास 1 के तहत 15 दिन का नोटिस जारी करेगा और जितना रकबा ज़रूरी होगा वो कब्ज़ा में ले लेगा 15 दिन के बाद। और वो जो ज़मीन होगी वो जब हुकूमत के कब्ज़े के अंदर आ जाएगी 15 दिन के बाद, तो वो बरी अज़ मुआख़ज़ा हर किस्म की होगी, उसके ऊपर कोई भी क्लेम जो है, हम मिसाल के तौर पर वो बैंक के पास रहने हैं या वो बैंक वो जो अपनी ज़मीन है किसी दूसरी पार्टी थर्ड पार्टी के पास वो प्लाट जो है या उसके ऊपर किसी टेनेंट का राइट है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं जिस दिन हुकूमत ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया फिर उस जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे वो ख़त्म हो जाएंगे, अज़ खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, और उनको उनके सोल्यूशन का फिर दीगर तरीक़ाकार जो इस एक्ट आज़ा के अंदर दिया गया है उसके मुताबिक उनको समक किया जाएगा। और वो ज़मीन जो है जब हुकूमत उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगी सेक्शन 9 का नोटिस देकर, सेक्शन 9 सब क्लास 1 का नोटिस देकर 15 दिन का उसके अंदर जब कब्ज़ा करेगी, तो उसके ऊपर जितने भी मुआवजे होंगे, जितने भी वो भार उसके ऊपर होंगे, जितने भी इनकम्बरेंसेस उसके ऊपर होंगे वो सारी फारग हो जाएंगी। इसमें इन्होंने शर्त ये लगाई है कि कमिश्नर एक्ट हाजा के तहत एक्ट हाजा की दफ़ा ये जो आज हम स्टडी कर रहे हैं 17 इसकी सब क्लास 1 के तहत उस वक्त तक हुक्म सादर नहीं कर सकता जब तक कि इसको सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत या कंपनी की तरफ से ये जो अराजी जो उन्होंने लेनी है एमरजेंसी के अंदर उसकी वो पेमेंट नहीं कर देते। जब गवर्नमेंट चाहे सूबाई है चाहे वफाकी गवर्नमेंट है चाहे कोई कंपनी है उनको एमरजेंसी में ज़मीन चाहिए, मजबूरी है उनकी बन गई है और ज़रूरत में और उनको हर उभर और हर हाल में उनको ज़मीन चाहिए, तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो कमिश्नर के पास वो उसकी पेमेंट जमा करवाएंगे और जो कमिश्नर है वो कलेक्टर को कहेगा, कलेक्टर सेक्शन 9 का सब क्लास 1 का नोटिस इशू करेगा 15 दिन का और उसके बाद वो उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और जो उसमें जितने भी उसके अंदर स्टेक होल्डर हैं, जितने भी उसके अंदर एंटाइटल हैं, वो सारे के सारे उन लोगों को वो कंपनसेशन जो है ये सेक्शन 23 और 24 जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्ट आज़ा की, तो फिर वो उन सबको कंपनसेशन या उस ज़मीन का मुआवजा या उसकी अदायगी कर दी जाएगी। सब क्लास 2 के अंदर इन्होंने एक और बात की है कि मजबूरी की हालत में मजबूरी कौन कौन सी हो सकती है। अब ये है कि जब किसी इलाके के अंदर किसी ज़िले के अंदर कोई सड़क जा रही है और वो फ्लड के पानी से वो बह गई या उसके अंदर दरिया ने उस तरफ रुख कर लिया और वो जो सड़क है वो दरिया बुर्द हो गई या कोई रेलवे लाइन बिछी हुई है उसके ऊपर वो दरिया का पानी मार कर रहा है और वो दरिया बुर्द होने वाली है और उसका रूट बदलना है या सड़क का रूट बदलना है या वहाँ से कोई भी कोई दीगर महकमा है कोई दीगर सूबाई या वफाकी महकमा है उसको वहाँ से हटा कर किसी दूसरी जगह पर उससे थोड़ा सा हट कर आगे शिफ्ट कर रहे हैं या ये सड़क के दरिया बुर्द होने से या रेलवे लाइन के दरिया बुर्द होने से कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है जिससे रेलवे या ट्रांसपोर्ट जो है उसके राहों उसके भावों में खलल पैदा होता है या ट्रैफिक के भावों में खलल वाक़ हो जाता है या किसी अनदेखे या अनसीन एक्सीडेंट की वजह से कोई ऐसा वाक़ा सरजाद हो जाता है जिससे रेलवे की ज़मीन या महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उनकी ज़मीन जो है वो फ्लड की नज़र हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है या लैंडस्लाइडिंग की वजह से गिर जाती है या कुछ और मसला हो जाता है या कोई ऐसा मसला जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो और उसके अंदर रुकावट पैदा हो गई हो, तो फिर जो कमिश्नर होगा वो कलेक्टर को हुक्म सादर करेगा कि इस एमरजेंसी से निपटने के लिए वो कलेक्टर को हुक्म सादर करेगा और कलेक्टर जो है ये दफ़ा सेक्शन 9 सब क्लास 1 का नोटिस शाया करेगा हुकूमत की इजाज़त से और उसके बाद वो ज़मीन जो भी होगी वो जो डेट है 15 दिन की जो देते हैं उसके अंदर या जो टाइम भी उन्होंने दिया है 48 घंटे का देते हैं या 72 घंटों का देते हैं उसके बाद वो बरी मुआवजा हर किस्म होगी और हुकूमत उसके ऊपर कब्ज़ा करके उसके ऊपर रेलवे लाइन बना सकती है या सड़क उसके ऊपर तैमीर कर सकती है या सड़क को कर्व दे सकती है। उसमें
वो ज़मीन मतलब कि एमरजेंसी के अंदर अगर गवर्नमेंट को ज़मीन की ज़रूरत पड़ जाए और किसी दूसरे बंदे की ज़मीन से गुजरना पड़ जाए तो फिर वो हुकूमत जो है 48 घंटे के नोटिस के ऊपर उसको हासिल कर सकती है। इसमें शर्त इन्होंने ये आयत की है कि अगर रास्ता हमवार करने के लिए या रूट बदलने के लिए अराजी के असूल जब लाजम हो जाए और इसमें कोई घर या दुकान वगैरह अगर रास्ते में आती हो, उस रुकावट जब हटानी हो तो दूसरा जब रास्ता मुतबादल उसके लिए अल्टरनेटिव जब रास्ते का बंदोबस्त किया जा रहा हो तो उसके अंदर कोई दुकान आ रही है, कोई मकान आ रहा है, तो फिर उसको कम से कम 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, 48 घंटे का या 72 घंटे का, ज़्यादातर 48 घंटे का ही नोटिस देते हैं ताकि उसके अंदर जो पोजेसर हैं, जो मालिक है, जो उस मकान का मालिक है, जो दुकान का मालिक है, वो अपनी गैर मनकूला जायदाद जो उसके अंदर रखी हुई है उसको वो हटाकर महफूज मकाम के ऊपर ले जाए और हुकूमत जो है फिर उस मकान को या उस दुकान को डिमोलिश करके वो रास्ता जो है वो लोगों के लिए खोल देती है ताकि उनका वो मुकम्मल बन ना जाए और इसके ऊपर जो कंपनसेशन आती है गवर्नमेंट फिर उन लोगों को अदा कर देती है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को कि जिसकी ज़मीन एमरजेंसी में ली गई है उस ली गई हो मुआवजा, तो उसके मुआवजे का तयन करने के लिए तो उसके ऊपर जो खड़ी फसल है या दरख्तान लगे हुए हैं या उसका कोई दीगर नुकसान हो जाता है, उसके घर गिराने का नुकसान होता है, दुकान गिराने का नुकसान होता है, दरख्तों का नुकसान होता है, खड़ी फसल का नुकसान होता है, या जो भी उसके अंदर उसके किसी दीगर जो उसकी इंस्टॉलेशन है देयर उसका नुकसान होता है, तो फिर वो शख्स जो है जो गवर्नमेंट कमिश्नर उसके लिए मुआवजा तय करेगा तो वो उससे ले सकता है। अगर उस मुआवजे के ऊपर उस बंदे को कोई ऑब्जेक्शन हो, उसको एतराज़ हो और वो कहे कि जनाब मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और मैं इसके ऊपर एतराज़ करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये वसूल नहीं करना चाहता, तो वो उसका जो है वो अवार्ड होता है या जो उसकी रकम होती है फिर वो उसको बतौर अमानत महकमा माल अपने पास रख लेते हैं अकाउंट के अंदर और वो शख्स अगर मामला अदालत के अंदर ले जाता है तो फिर अदालत जो है उस मामले को देखती है और उसके मुताबिक फिर वो फैसला करती है। चौथी बात यह है कि कमिश्नर जहाँ महसूस करे कि कोई ज़मीन अवामी मफादात के लिए बातातल अवामी मफादात को बातातल प्रोवाइड करने के लिए दफ़ा आज़ा की सब क्लास 1 और 2 के तहत ज़रूरी है कि वो जो भी ज़मीन इस यानी कि इस सब क्लास 17 की सब क्लास 1, 2 इनके तहत अगर उन्होंने कोई ज़मीन हासिल करनी है जो उनको एमरजेंसी के अंदर ज़रूरी है तो उसके लिए ये जो है उस सेक्शन 9 सब क्लास 1 का नोटिस देना पड़ता है। उसके अंदर फिर ये दो पहले के पहला जो नोटिस होता है या 6 का जो नोटिस होता है वो जारी नहीं किया जाता, उसमें 9 की कार्रवाई की जाती है और उसमें यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की जाती और दीगर जो कार्रवाई ज़रूरत होती है वो नहीं की जाती और दफ़ा 6 का नोटिस जारी करके हुक्म सादर कर दिया जाता है कि ये आप आकर अपना जो मुआवजा है वसूल कर सकते हैं या आप हमारे दफ्तर के अंदर आकर अपने ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं या जो भी सूरत हाल हो। तो कहने का मकसद ये है जी कि हुकूमत जो है अगर किसी को रूटीन के मुताबिक अगर कोई ज़मीन हासिल करनी हो तो फिर वो सेक्शन 16 के तहत फिर वो जितने भी लोग होते हैं ज़मीन के जो ओनर होते हैं उनको पैसे देकर जब वो बरियल मुआवजा हो जाती है ज़मीन हर किस्म उसके ऊपर कोई इनकम्ब्रेंसेस नहीं रहती तो फिर उस ज़मीन का कब्ज़ा हासिल कर लिया जाता है। और दूसरी सूरत कब्ज़े की ये है कि जब गवर्नमेंट को एमरजेंसी के अंदर कोई ज़मीन की ज़रूरत पड़ जाए तो गवर्नमेंट जो है वो भी हासिल कर सकती है, तो उसके लिए फिर ये जो ये जैसे सेक्शन 4 की कार्रवाई, 5 की कार्रवाई, 5A की कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई जो है उसको इग्नोर कर दिया जाता है और डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट वो ज़मीन हासिल करके जो अवामी मफाद का जो प्रोजेक्ट जो चल रहा होता है ऑलरेडी चल रहा होता है या उसके अंदर कोई आसमानी आफात की वजह से कोई तातल आ जाता है तो फिर उसको रिमूव कर सकती है और उसकी कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू लॉ उसको दी जा सकती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको अगर क्लियर हो गया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।